तो दोस्तों यदि आप भी एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर आप एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गलती कर देते हैं। तो ऐसे में अगर आपने भी एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर दी है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए ताकि आपका फॉर्म किसी प्रकार से ना हो और आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट ना किया जा सके। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक सही सटीक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एसएससी सीएचएसएल में फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले से यह जानकारी होना जरूरी है कि एसएससी में आपको एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद आप एसएससी के कोई भी फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपका पहले से एसएससी में रजिस्ट्रेशन हो रखा है, यानी कि पहले भी आपने एसएससी के कोई फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो फिर आपको सिंपली क्या करना है कि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा, उसे आपने एसएससी के ऑफिशियल साइट पर आकर यहां लॉगिन पैनल पे जाकर और यहां पर आपने फिल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे कैप्चा को यहां पर फिल करके लॉगिन कर लेना है और उसके बाद जो अपना फॉर्म है एसएससी का कोई भी, चाहे वह सीएचएसएल का हो, उसे आसानी से आपने अप्लाई कर देना है। लेकिन जरा मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है और उस रजिस्ट्रेशन में आपके कोई गलती हो चुकी है तो जल्दी से सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई कर लेना है। मॉडिफाई कैसे करना है इसको लेकर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने से भी पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करके उसमें हुई गलती को सुधार कर लीजिए और इसके बाद आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि अगर आप पहली बार एसएससी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि एसएससी के ऑफिशियल साइट पर आकर यहां आपको लिखा मिल रहा है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, आपको यहां पर आकर बी केयरफुली अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर कर लेना है। जो यहां पर आप डिटेल्स देंगे उसे आपने थोड़ा सा अच्छे से देखकर और आराम से फिल करना है, क्योंकि एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। अगर कोई भी आपने गलती उसमें कर दिया तो फिर मॉडिफाई करने में आपको काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो केयरफुल तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन जैसे आप कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एक आपका खुद का जनरेट किया हुआ पासवर्ड मिल जाएगा, उसे आपने यहां पर आकर फिल करना है और वापस से कैप्चा फिल करके यहां पर लॉगिन करोगे तो आप अपनी प्रोफाइल के अंदर पहुंचोगे। अब प्रोफाइल आपको कैसी देखने को मिलेगी, चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप देखोगे, जैसा कि अभी आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल का जो वैकेंसी है वो यहां पर चल रहा है, जिस पर आसानी से यहां पर अप्लाई जो लिखा है उस पर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन करने में अपना डिटेल्स फिल करोगे, अप्लाई करने के टाइम पर वो सारा डिटेल्स आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड कर लिया जाता है। तो इसलिए यही कहा जाएगा कि जो आप रजिस्ट्रेशन करने में अपना डिटेल्स फिल करेंगे उससे आपने केयरफुल तरीके से फिल करना है। इसके अलावा अब आपको बता देता हूं कि जो आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो फोटो के जो आपको कंडीशंस है उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो एसएससी के फॉर्म होते हैं वो तीन वजह से रिजेक्ट किए जाते हैं। पहला जिसमें से होता है कि आपका फोटो को लेकर गलत तरीके की फोटो अपलोड करने पर जो आपका फॉर्म है वो कोई नहीं बचा सकता है, डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने साइन गलत तरीके से अपलोड कर दिया है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन से किसी एक भर्ती में दो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो भी आपका मल्टीपल एप्लीकेशन बनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपने इनमें से कोई गलती कर दी है तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि सीएचएसएल का फॉर्म चल रहा है, तो अगर आपके सीएचएसएल में या फिर किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने में कोई गलती हो गई है तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम आपको इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन बता सके। लेकिन उससे पहले जरा मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि अगर आपने जो आपका अभी भर्ती चल रहा है एसएससी सीएचएसएल का, तो अगर आपने सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई करने में कोई गलती कर दी है तो अभी आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहां पर जो करेक्शन विंडो है वो आपका ओपन हो चुका है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एसएससी का जो अभी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन है उसे एक बार ओपन करके दिखा देता हूं कि वास्तव में एसएससी ने वहां पर हमें क्या बताया है करेक्शन विंडो को लेकर।
तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा एसएससी सीएचएसएल का जो अभी वैकेंसी आया है, उसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन। तो देखिए इसमें आपको बता दें कि जो यहाँ पर डेटेड वगैरह दी जा रही हैं, इनसे पहले आपने जो फॉर्म है अपना अप्लाई कंप्लीट कर लेना है। अब बहुत बार क्या होता है कि अगर आपका फॉर्म भरने में सीएचएसएल के कोई गलती हो जाए, या फिर अगर ऑलरेडी आप गलती करके बैठे हैं, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एसएससी आपको करेक्शन विंडो प्रोवाइड कराएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बड़ी खबर यही है कि यहाँ पर अब एसएससी आपको करेक्शन विंडो प्रोवाइड कराएगा। आपके फॉर्म में अगर कोई भी गलती हो गई है तो उसे आप आसानी से करेक्शन कर सकेंगे। देखिए मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाया था, सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन को कंफर्म कर लीजिए कि आपका कौन सा नोटिफिकेशन है। देख सकते हैं कि 1 फरवरी 2022 का ही भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वही सीएचएसएल भर्ती जो अभी चल रहा है हमारा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पैरा 12 में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है, करेक्शन विंडो के लिए जो पैरा 12 है, पैरा 12 है, उसमें आपने आ जाना है। तो देखिए मैं यहां पर पैरा 12 में चलता हूं। अब देखिए पैरा 12 में आने के बाद, देखिए हम यहां पर पैरा 12 में पहुंच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पैरा 12 में आने के बाद, ये देखिए पैरा जो 12 मारा है उसमें आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 11/3/2022, यानी कि 11 मार्च से और 15 मार्च तक रात को 11 बजे तक आपका करेक्शन विंडो जो है वो ओपन किया जाएगा। यानी कि देखिए जैसे आपका लास्ट डेट खत्म होगा एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म अप्लाई होने का, उसके जस्ट बाद से आपका करेक्शन विंडो ओपन कर दिया जाएगा 11 तारीख से, यानी कि 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आप अपने इस एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि करेक्शन आपका फ्री नहीं होगा, यहां पर आपसे चार्जेस भी लिए जाएंगे। जैसा देख सकते हो कि यहां पर लिखा है पूरा, आप इसको पढ़ सकते हैं पैरा 12 को, ठीक है ना। इसको पढ़ने के बाद देखिए क्या है कि आपका जो फॉर्म है वो तो आप करेक्शन कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए एसएससी आपसे फीस भी लेगा। देखिए अगर आप करेक्शन करने के लिए जाएंगे तो यहां कहा जा रहा है कि द कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस। अगर आप पहले बार फॉर्म को करेक्शन करेंगे कोई भी उसमें, तो आपसे 200 रुपए का चार्जेस लिया जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई भी और करेक्शन करना चाहेंगे दूसरी बार जाकर, तो फिर आपसे दूसरी बार 500 रुपए का चार्जेस लिया जाएगा। तो भैया बी केयरफुल तरीके से आपने फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि करेक्शन करने पर भी आपको 200 रुपीज और दूसरी बार करेक्शन करने पर आपको 500 रुपीज का बड़ा यहां पर चार्जेस देना पड़ेगा। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। अच्छी बात यह है कि अगर बाई चांस आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आपको करेक्शन विंडो प्रोवाइड कराया जाएगा 11 तारीख से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कमेंट के जरिए पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। आपको किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स आती है एसएससी के किसी भी फॉर्म को रिलेटेड, ठीक है, तो आपका पूरा यहां पर सपोर्ट किया जाएगा हमारी तरफ से। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जुड़ जाइए, आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आप हमसे लाइव चैट भी कर सकेंगे, आपके सभी प्रॉब्लम्स का हर एक टाइम पर सोल्यूशन दिया जाएगा, आपको बेस्ट भी वहां पर मिल पाएगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप रॉब गेमिंग जाकर सर्च कर सकेंगे इंस्टाग्राम पर। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं कुछ और नए अपडेट के साथ में एक और नए वीडियो में।